बट सावित्री व्रत पर मिलेगी आपके पति को दीर्घायु और उनके जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की संपन्नता से संबंधित समस्या से मुक्ति। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेरी ऐसी माताएं बहनें जो सुहागिन होने के बाद अपने पति के लिए बट सावित्री व्रत रखती हैं। यह जो त्यौहार ये व्रत है वो हमारी सुहागिन माताएं बहनों के लिए है और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बट सावित्री व्रत 2024 पर ऐसे क्या उपाय कर लिए जाएं या क्या कथा इसके पीछे है जिसको सुनने और करने के बाद उपायों को हम आप लोगों के पति के जीवन में एक तो दीर्घायु यानी चिरायु रहें वो, दूसरा स्वास्थ्य कष्ट से मुक्त रहें और उनके जीवन में व्यापार नौकरी उन्नति से संबंधित जो समस्याएं हैं उनसे उनको मुक्ति मिले और लाभ मिले। आज हम इस वीडियो में इससे संबंधित जो कथा है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे और क्या शुभ मुहूर्त रहेगा पूजा का ये समय भी मैं आपको बताने वाला हूं। किस दिन पड़ रही है बट सावित्री व्रत 2024 इस पर भी हम बात करेंगे और आप लोगों को जो उपाय करने हैं वो इतने आसान उपाय हैं जिनको करने के बाद आप अपने पति के जीवन में ऐसी सहायता कर सकती हैं जिससे कि उनको उन्नति मिले। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें, आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम पर। आज हम बात करने वाले हैं बट सावित्री व्रत 2024 की। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष आता है, हर वर्ष हम इसको मनाते हैं और हमारी सुहागिन माताएं बहनें इस व्रत को बड़े चाव से और बड़े उल्लास से मनाती हैं अपने पति की दीर्घायु और उन्नति के लिए। यह व्रत इस वर्ष जो पड़ रहा है वो 6 जून 2024 को पड़ रहा है और 6 जून 2024 को जो ज्येष्ठ मास की अमावस्या है उस पर बट सावित्री व्रत की पूजा और व्रत रखा जाएगा। यहां पर हम शुभ समय की बात करें कि किस समय पर हमको पूजा करनी चाहिए, तो शुभ समय जिसको हम बहुत अच्छा और अच्छा इसलिए कि आपको इस समय पर की गई पूजा सबसे अधिक फल देगी इस पूरे दिन में, तो वो समय रहेगा 11:52 सुबह से लेके दोपहर 12:48 तक, यानी कि 11:52 AM से लेके 12:48 PM तक आपको ये रखना है, यानी कि ये टाइम जो लगभग एक घंटे का है 50-55 का, इसके बीच में की गई पूजा आपके जीवन में सबसे अधिक लाभ आपके पति को देगी। बात करते हैं बट सावित्री व्रत जब हमारी माताएं बहनें रहती हैं इसके पीछे सत्यवान और सावित्री के व्रत की कथा और उन दोनों की कथा आती है जिसको पढ़ा जाता है। जब सत्यवान के प्राणों को लेकर यमराज जी जा रहे थे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी कि मेरे पति के प्राण मुझको वापस दे दो। यमराज ने बहुत समझाया और उनको वापस जाने के लिए बोला। जब वो जाने को तैयार नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप एक वरदान मांगिए, मैं आपको वरदान देता हूं और आप चली जाइए। उन्होंने वरदान मांगा और वरदान में ये मांगा कि मेरे जो ससुर हैं यानी कि मेरे पति के जो पिता हैं उनको बहुत ज्यादा स्वास्थ्य कष्ट हैं और वो अपने अंतिम समय में हैं, उनका समय अच्छा हो और उनको स्वास्थ्य कष्ट से मुक्ति मिल जाए। यमराज जी ने उनको आदेश के अनुसार वरदान दिया और आगे बढ़ने लगे। जब आगे बढ़ने लगे सावित्री फिर उनके पीछे पीछे जाने लगी तो उन्होंने कहा कि आप वापस लौट जाइए, मैं इनके प्राण नहीं छोड़ सकता, इनका समय पूरा हो गया है। सावित्री नहीं मानी, उन्होंने कहा कि ठीक है आप एक वरदान और मांगिए, मैं आपको वरदान देता हूं और आप फिर वापस ले जाइए। उन्होंने फिर वरदान मांगा और वरदान में मांगा कि मेरे ससुर का जो राज पाठ जितना भी था जो छिन गया था वो सब उनको वापस मिलना चाहिए। यमराज ने फिर आदेश के अनुसार उनको वरदान दे दिया लेकिन फिर भी सावित्री न मानी और अंत तक जहां यमराज जा रहे यमलोक तक पहुंच गई। और यमलोक के द्वार पर जब यमराज ने देखा कि सावित्री बिना अपनी आयु पूरे हुए अंदर आ रही हैं तो वो आ नहीं सकती, इसलिए उन्होंने कहा कि आप यहां से चली जाइए, आप अंदर प्रवेश आपका वर्जित है, आप नहीं आ सकती क्योंकि अभी आपकी आयु पूरी नहीं हुई है। सावित्री न जाने को तैयार हुई तो यमराज ने अंतिम तीसरा वरदान देने के लिए बात की कि ये अंतिम वरदान है, आप अंतिम वरदान मांगिए और अंतिम वरदान मांगकर आप वापस ले जाइए। सावित्री ने अपने जीवन में 100 पुत्रों का वरदान मांगा कि मैं 100 पुत्रों का वरदान मांगती हूं, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए। यमराज ने ध्यान नहीं दिया और उनको वरदान दे दिया और बोले कि आप 100 पुत्रों की माता बनेंगी, ऐसा मेरा वरदान है। तो सावित्री ने कहा कि मैं 100 पुत्रों का वरदान जो आपने दिया है माता कैसे बनूंगी, मेरे पति के प्राण तो आपके पास हैं। इसलिए यमराज को सत्यभान के प्राण वापस करने पड़े और तभी से यह प्रथा चली आ रही है कि बट सावित्री व्रत की कथा पढ़ने से, उसका व्रत रखने से आपके पति के जीवन में दीर्घायु यानी पति चिरायु होते हैं, स्वास्थ्य कष्ट से मुक्ति मिलती है और इसके साथ जो मैं वीडियो में अब ये दो उपाय बताने वाला हूं इनको करने से
आपके जीवन में निश्चित रूप से बहुत अच्छे लाभ आपके पति के जीवन में उन्नति के लिए मिलेंगे। आप जब भी ये व्रत करें तो बहुत सारी चीजें इसमें दान की जाती हैं, विशेष रूप से आप जब दान करें इसमें अलग से एक बिंदी के लाल रंग का पत्ता रखिए, यानी बिंदी का एक सेट रखिए जो लाल रंग का हो, और वो किसी भी सुहागिन महिला को अलग से दान करिए दक्षिणा के साथ। आप देखेंगे बहुत अच्छे लाभ आपके पति के जीवन में आएंगे। दूसरा, मीठा जल बनाइए और उसको किसी बर्तन में, यानी कि मिट्टी के बर्तन में यदि दे सकें तो सबसे अच्छा है, यदि ना दे पाएं तो आप किसी भी ऐसे बर्तन में रख के दीजिए जिसको आप दे सकें, वापस ना लेना पड़े, और ऐसे बर्तन में रख के आप मीठा जल किसी भी ऐसी महिला को जो सुहागिन स्त्री हो आप दान करें अपने पति की मनोकामना के साथ। आप इन दोनों उपायों को यदि करती हैं तो आपके पति के जीवन में दीर्घायु तो होंगे ही, लेकिन उनको व्यापार, नौकरी और उन्नति जो मिलनी चाहिए या परेशानी हो रही है वो मिलने लगेगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।